आ चुके हैं हरिद्वार रेलवे स्टेशन, कहते हैं तो बाहर निकलते हैं, और ठंडे यहाँ पे हैं। सो हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। आई एम अंशु पटेल, यू आर वाचिंग माय YouTube चैनल एमबीआर ब्लॉग्स। सो आज हम जा रहे हैं हरिद्वार और हमारी जर्नी स्टार्ट हो रही है यहाँ से। हमने स्टार्ट नहीं किया घर से ब्लॉग बनाना, अभी स्टार्ट किया, ऑन द वे है हम अभी। और तो पहले हमारी ट्रेन है, हमको पहले यहाँ से रामपुर पहुँचना है। रामपुर है हमारी ट्रेन 11:20 पे, एंड 11 बजे हमको पहुँचाना है वहाँ पर, 20 मिनट वेट कर लेंगे। तो पहले तो हम अपने दोस्त के यहाँ बाइक खड़ी करेंगे अपनी, क्योंकि बाइक से हम जा रहे हैं 10 किलोमीटर हमारे घर से रामपुर। तो चले चलते हैं, साथ में है हमारे प्रिय मित्र नवनीत राणा, दिखा देता हूँ आपको, देखो। हेलो गाइस। सो पहले अपन आप चलते हैं, पहले तो हमको रवि के यहाँ जाना, फिर मिलते हैं डायरेक्टली वहाँ पर। सो चलते हैं। सो गाइस, लाइक फाइनली हम मिल चुके हैं रवि भाई से बहुत दिनों बाद, और ये इनका रूम का माहौल देख रहे, स्टडी माहौल बना रखा है पूरा। इस व्यक्ति का पेपर है 27 तारीख, इस व्यक्ति को आज पता चलेगा मेरा पेपर है। इन लोगों को देख के क्या ये पढ़ाई कर रहा है, ऐसे ऐसे इंसान है, देख लो बताओ। Look at this face. So guys, अभी हम आ चुके हैं रेलवे स्टेशन पे। So guys, हमारा हो गया पोपट, ट्रेन हमारी होगी लेट, बहुत तगड़ी वाली लेट हुई है। 11:20 का अराइवल टाइम आ रही है, 2:20 पे। पता नहीं यहाँ क्या करें हम 2 घंटे। So guys, अभी हम पी रहे हैं चाय, क्योंकि 2 घंटे कहीं ना कहीं तो काटनी है हमको। चाय पियेंगे, थोड़ा घूमेंगे, लेट सी फिर देखते हैं कब तक आती है। आज ठंड जा रहा है, कोहरा दिखा दो, कुछ मौसम का वेदर गाइस आप देख रहे हैं कितना कोहरा आ रखा है यहाँ पे। ये हमारा रेलवे स्टेशन रामपुर जंक्शन, और हम एक घंटा तो बिता चुके हैं। हमने थोड़ी देर वेटिंग रूम में बैठे हुए चाय पी, और अभी टहल रहे हैं थोड़ा, देखते हैं जब ट्रेन आती तब मिलते हैं फिर। ठंड के हमारे फटी जा रही है भाई, इतना बुरा सफ़र 2023 का हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था भाई साहब, इतना इंतजार करना पड़ गया भाई, बहुत ज़्यादा। गाइस फाइनली अभी हमारी ट्रेन जो है ना वो 2 मिनट या 5 मिनट के अंदर आ जाएगी। सो टाइम इज़ ओवर नाउ, एंड हम डायरेक्टली अब ट्रेन में बैठेंगे जहाँ हमारी सीट है, देन वहीं मिलते हैं डायरेक्टली। सो चलिए चलते हैं। हमारी जो ट्रेन है ना वो आ चुकी है, और ये सामने दिख रहा है लाइट, यही वाली ट्रेन है। इतना वेट कराया यार, इतना वेट कराया भाई, ट्रेन से सफर नहीं करेंगे अब। सो गाइस फाइनली दिस इज आवर सीट, और सीटों का चुतियापा हो गया, एक पीछे एक आगे, कोई नहीं एडजस्ट करेंगे। लेट्स सी, अब मिलते हैं डायरेक्टली सुबह हरिद्वार में। सो गाइस सीट तो मिल चुकी है, और ट्रेन में हम अंदर एंटर भी कर चुके हैं। नवनीत की सीट आगे है, मेरे पीछे है, बैड लक, कोई नहीं। सो अब फिर की थोड़े सोएंगे हम, क्योंकि यार सोए नहीं है, बहुत टाइम हो चुका, लेट हो चुकी थी ट्रेन। सोएंगे फिर डायरेक्टली मिलते हैं हरिद्वार। सो सी यू। देख रहे भाई नींद में, ओ ट्रेन में चढ़ते नींद आ गई इसको, कंबल दे उसके तो पैक करके लाया भाई। क्या माहौल बना रखा है यार, शांति का माहौल है। सो गाइस अभी हम आ चुके हैं लक्सर स्टेशन, और यहाँ से है 25-30 किलोमीटर दूर हरिद्वार, तो पहुँच जाएंगे थोड़ी देर बाद। सफ़र की तो ऐसी ऐसी लग गई रात में, ट्रेन ही लेट आई बहुत ज़्यादा, बेचारा सो ही नहीं पाया यार। और देखते हैं, यहाँ भी बहुत कोहरा ही है। सर आपके व्यूज रात के कुछ एक्सपीरियंस बताओ अपना, कैसा रहा? बस रात का कुछ पूछो मत, ट्रेन कटी है लेकिन ठंड भी लग रही थी। ठंड तो लगी ज्यादा, वैसे लगी थी यार ज्यादा नहीं, थोड़ी तो लगी थी। सुबह यार अभी पहले चाय लेते हैं, चाय चाहिए सुबह। तो चलिए मिलते हैं डायरेक्टली, अब हरिद्वार मिलेंगे तो फिर देखते हैं, बीच में कहीं रुकेंगे तो। सो गाइस हम फाइनली आ चुके हैं हरिद्वार रेलवे स्टेशन, अभी बच चुके हैं 9। अब देखते हैं कहाँ जाना है, पहले क्या करना है,
पहले प्रसाद चढ़ाना है, नहा दाएं पहले आओ चलते हैं, कहते हैं तो बाहर निकलते हैं। ठीक है, और ठंडे यहाँ पे हैं। गाइस अभी हम पहली चढ़ाई चढ़ रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि स्टेशन से पार निकलने के लिए भाई। सो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं यहाँ पर, पीछे देख रहे हो हरिद्वार, आपको उल्टा देख रहा होगा। तो भाई सफ़र तो अच्छा रहा, सब कुछ अच्छा रहा, भूख बहुत तेज़ लग रही है। पहले तो प्रसाद चढ़ाएंगे हम लोग, फिर देखते हैं खाने का कुछ। तो हम इस ब्लॉग को यहीं पर एंड कर रहे हैं, एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। और अगली सीरीज आने वाली है, और भी दो तीन वीडियो होंगे। तो चलिए मिलते हैं आगे।